Assalamu alaikum friends, I am your biology teacher Sarumar with another video tutorial chemiosmosis. अच्छा chemiosmosis को अगर आपने समझना है जैसे लगता है कि कॉन्सेप्ट की चेंज चल रही होती है सेम ऐसे ही आपने ना chemiosmosis को समझने से पहले आपको फॉस्फोराइलेशन अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है ठीक है दोनों साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी उसके बाद आप समझ सकते हैं chemiosmosis क्या है तो देखिए chemiosmosis सिंपल क्या है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना उसके अक्रॉस जो मूवमेंट ऑफ आयंस है ना उसको हम केमियोस्मोसिस कह देते हैं ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन है लेकिन आपकी जो बुक है ना फर्स्ट ईयर की उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है फोटोसिंथेसिस के हवाले से यानी फॉस्फोराइलेशन के हवाले से एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं भी उसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलूंगा तो उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके हवाले से उसने ये बात कही हुई है कि रिडॉक्स रिएक्शन कपल होते हैं और उसके नतीजे में एटीपी जो प्रोड्यूस होती है इस फिनोमिना को हम केमियोस्मोसिस कह देते हैं ठीक है अब इस डेफिनेशन को आपने अपने जहन में रखना है ठीक है जब मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ना फिर मैं आपको वापस दोबारा इस डेफिनेशन के ऊपर लेकर आऊंगा और फिर आपने देखना है कि ये डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट उस फिनोमिना पे ऊपर उसके ऊपर उतर रही है कि नहीं उतर रही ठीक है उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो दोनों ने केमियोस्मोसिस के तरीके को फॉलो करना है दोनों के अंदर केमियोस्मोसिस होगी तो एटीपी बननी है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगी इनसाइड ठीक है और पंप करने के लिए जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रोजन आयंस को अंदर पंप करने के लिए ठीक है पर इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट होता है उसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है उसके बाद होता क्या है यहाँ पर ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है एटीपी सिंथेज वो क्या करता है वो डिफ्यूज करता है हाइड्रोजन आयंस को और जब कोई भी चीज डिफ्यूज करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगी एटीपी प्रोडक्शन होगी एटीपी सिंथेसिस होगी ठीक है अब इन बातों को आपने जहन में रखना है और मैं अब आपको इस डायग्राम की तरफ लेकर आता हूं ये मैंने डायग्राम बनाई है आपने यहां से तो देख के आपको पता चल गया होगा इट इज अ लिपिड बायलेयर इसका मतलब ये एक मेम्ब्रेन है ठीक है तो ये मैंने डायग्राम एक्चुअली बनाई है थायरॉइड मेम्ब्रेन ठीक है थायरॉइड मेम्ब्रेन है ये तो ये इसकी लिपिड बायलेयर है एज यूजुअल जैसी होती है ठीक है उसके बाद ये फोटोसिस्टम 2 है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये फोटोसिस्टम 1 है एनएडीपी जो एंजाइम है वो है ठीक है उसके बाद एटीपी सिंथेज है एक्चुअली इट इज नॉट सिंथेज इट इज एनएडीपी रिडक्टेज तो एनएडीपी रिडक्टेज ठीक है ये एंजाइम है और उसके बाद एटीपी सिंथेज है अब होगा क्या ये देखें यहां से फोटोन आकर फॉल किया फोटोसिस्टम 1 के ऊपर तो यहां पे फोटोलाइसिस हो गई है बाहर हाइड्रोजन आयंस जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो गए हैं बाकी वही फिनोमेना जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये प्लास्टोसाइन ये सारी हमारी क्या है ये सारी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ठीक है तो उसके बाद फिर फोटोसिस्टम 1 पे आएगा वहां पर एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो हाइड्रोजन आयंस को यूटिलाइज करते हुए उसकी रिडक्शन करवाएगा और रिडक्शन करवा के एनएडीपीएच बना देगा अब यहां पर देखें बाहर जो है यहां पर फोटोलाइसिस हुई थी फोटोलाइसिस के नतीजे में क्या हो रहा है कि बाहर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है ठीक है अब जो हाइड्रोजन आयंस है वो डिफ्यूज कर जाएंगे अब देखिए आयन है आपने पढ़ा हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोई भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है वो आयंस की जो फ्लो है उसको अलाउ नहीं करती तो उसके लिए स्पेशल कोई ना कोई गेट होता है कोई ना कोई प्रोटीन होती है जो कि उसको अंदर लेके आती है तो यहां पर जो इसको अंदर लेके आ रही है एटीपी सिंथेज कह रहे हैं तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस है वो अंदर को डिफ्यूज कर जाएंगे ठीक है हाइड्रोजन आयंस अंदर को डिफ्यूज करेंगे और वो जो डिफ्यूजन से एनर्जी आएगी उससे क्या होगा कि जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर ठीक है अब ये देखें हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट हो रही है अंदर की तरफ ठीक है और किसके अक्रॉस हो रही है अक्रॉस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस अब देखें अब अगर मैं आपको वही वाली बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जब मैं केमियोस्मोसिस एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा अब मैं वही वाली बात दोबारा करने लगा हूं कि जो एटीपी सिंथेसिस या फॉस्फोराइलेशन होती है इट इज बाय द कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद केमियोस्मोसिस
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियो ऑस्मोसिस का फिनोमिना कपल करता है उससे एटीपी बनती है। तो वो वाली बात अब यहाँ पर पूरी हो रही है ना, और वही वाली जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम केमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द केमियो ऑस्मोसिस। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरीज ही और शी फ्रेंकली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू बाय।